कक्षा 12वीं गणित उत्तरोत्तर अवकलन अर्थात कठिन अवकलन है। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों की प्रश्नावली शुरू करने जाते हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये कठिन अवकलन में माना जाता है, मान लिया y बराबर आपके पास कोई फंक्शन x दिया हुआ है, तो प्रथम अवकलन, प्रथम अवकलन जो होता है वो dy वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब इसका एक बार अवकलन कर देंगे। अब लेते हैं द्वितीय अवकलन। द्वितीय अवकलन में क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंस करेंगे, मतलब d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और ये dy वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना dy वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन से दिखाएंगे और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम वाई टू से दिखाते हैं। ऐसे ही तृतीय अवकलन लेते हैं। तृतीय अवकलन इस केस में क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन था दोबारा वाला, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का दोबारा हम करेंगे, यानी अब जो हो जाएगा ये डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को हम वाई थ्री के नाम से जानते हैं। ऐसे ही ये एनवा अवकलन लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, और यहाँ डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को हम वाई एन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये वाई वन हो गया, ये वाई टू हो गया और ये वाई थ्री हो गया और ये वाई एन तक चलता जाएगा। ऐसे वाई फोर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वाई फोर का जो मान है कितना हो जाएगा, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर फोर हो जाएगा ये। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी तरह से हमको प्रश्नावली को हल भी करना है। तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आती हैं और उनको हम कैसे हल करते हैं। तो ये आपका पहला एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लॉग वाई दे रखा है, यानी वाई बराबर लॉग एक्स दे रखा है, इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं वाई बराबर लॉग एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। अब ये बार बार ऐसा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँगा, तो ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। हम एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ डी अपॉन डी एक्स होगा लेकिन ये किसका होगा, वन अपॉन एक्स का होगा, तो डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स को एक्स की पावर माइनस वन कहते हैं। तो अब जो है ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसके माइनस वन पावर बाहर आएगी और एक्स की पावर माइनस वन माइनस एक और कम हो जाएगी, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स की घात माइनस दो, ये माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, ये अगला उदाहरण है, वाई बराबर एक्स क्यूब है दिया हुआ, वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, इसका हमें द्वितीय अवकलन निकालना है। तो चलो देखते हैं, पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, एक्स क्यूब का जो आएगा वो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ध्यान रखना है, इस पे दो दो बार करने पड़ेंगे, तो यहाँ जो आ जाएगा वो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो
यहाँ d अपॉन डी एक्स किसका होगा, 3x² प्लस sec स्क्वायर x का। देखते हैं, 3 तो बाहर ही रहेगा, इसका x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, और sec स्क्वायर में पहले 2 पावर बाहर आएगी, sec x हो जाएगा, फिर sec x का करेंगे तो sec x tan x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही करना है तो 6x हो जाएगा प्लस का 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, और साथ में ये tan x हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण नंबर 3 है, ये दिया हुआ है y बराबर e की पावर x साइन 5x। अब इसका दोबारा डिफरेंस करना, दो बार डिफरेंस करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए जरा, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर d अपॉन dx e की पावर x साइन 5x। तो देखना बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होगा, फर्स्ट झुका तो सेकंड का अवकलन d अपॉन dx और साइन 5x हो जाएगा, और प्लस सेकंड झुका तो d अपॉन dx और e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x तो ऐसे रहेगा, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और 5x का करेंगे तो 5 पावर आ जाएगा। ऐसे ही साइन का 5x ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा। e की पावर x इसमें से कॉमन आएगी तो क्या बच जाएगा, 5 cos x बच जाएगा, 5 cos 5x है बेटा। यहाँ पे जो ध्यान देना आप लोग, ये जो है 5x है यहाँ पे, तो इसको 5x लिखेंगे आप, तो ये cos 5x हो जाएगा, और प्लस का sin 5x हो जाएगा, और ये e की पावर x है, लेकिन ये जो मान आया ये dy बाय dx का आएगा। आप इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों फर्स्ट सेकंड फिर लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस ये जूका तू आ जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x और d अपॉन dx कितना हो जाएगा, e की पावर x। अब जरा इसका देखना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो थोड़ा हम अगले पेज पे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ चलिए देखिए, ये मैंने दोबारा इसको लिख लिया है। अब ये e की पावर x तो ऐसे रहेगा, इसका करना चालू करते हैं हम क्या आ जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, गुणा में रहेगा तो बच जाएगा, ये cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5x हो जाएगा, और 5x का करेंगे तो 5 और आ जाएगा, प्लस ये साइन 5x है, इसका cos 5x है, 5x का करेंगे तो एक और 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो ये e की पावर x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, e की पावर x सब में से कॉमन आ रहा, तो उसको e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, ये इसकी जरा गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 और माइनस का होगा साइन 5x, साइन 5x हो गया, और ये प्लस का 5 cos 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 5 cos 5x हो जाएगा, और प्लस का साइन 5x हो जाएगा, e की पावर x पूरे में से कॉमन लिवाया था मैंने। अब यहाँ देखो 25 है साइन 5x, और यहाँ एक ही है केवल, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, माइनस का 24 साइन 5x हो जाएगा, और ये देखो 5 हैं और ये भी 5 हैं, 5 और 5 ये 10 हो गए, तो 10 cos 5x हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, ये दिया हुआ है y इजकल टू एक्स स्क्वायर e की पावर ax, इसका भी हमें वही निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए जरा,
तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड गुणा वाला नियम इसके अंदर लग जाएगा। तो फर्स्ट जो का तू रहेगा, सेकंड का अवकलन करेंगे ई की पावर ए एक्स, फिर ई की पावर ए एक्स ऐसे रहेगा, फर्स्ट का अवकलन करेंगे यानी एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ए एक्स का दोबारा करेंगे तो ए आ जाएगा। ये ई की पावर ए एक्स ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा। देखिए इसमें e की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचा यहाँ से, ए एक्स स्क्वायर बच गया और 2। ये जो मान आया है ये आपका dy वाई बाई डी एक्स के बराबर। अब इसका हम दोबारा अवकलन करना चाहेंगे, चलते हैं लिखते हैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, ई की पावर ए एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया यहाँ। तो ध्यान रखना बच्चों ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, फिर से इसमें गुणा वाला नियम। चलिए इसमें देखिए फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा इसका फर्स्ट सेकंड से, तो e की पावर ए एक्स ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड का अवकलन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे रहेगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा फर्स्ट का यानी e की पावर ए एक्स का। जरूर देखते हैं e की पावर ए एक्स तो ऐसे रहेगा, इसका अवकलन बताइए ये तो हो जाएगा 2ax और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे रहेगा, e की पावर ax का करेंगे तो पहले e की पावर ax आएगा फिर ax का करेंगे तो a और आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए e की पावर ax को हम सब में से कॉमन लेना चाह रहे थे, यहाँ से क्या बच जाएगा 2ax प्लस 2 बच जाएगा और यहाँ a की इसमें गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ax हो जाएगा। तो ये हो गया e की पावर ax, जरा ध्यान देखो 2ax यहाँ है और 2ax यहाँ है तो 4ax आ जाएगा, उससे पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, उससे पहले क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4ax और प्लस का 2 और आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर किसका आया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का। चलिए उदाहरण नंबर ये 5 है, तो 5 में क्या दे रहे हैं, वाई बराबर है ई की पावर 6x कॉस 3x है। चलिए इसमें भी अवकलन करना है हमें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए इसमें क्या हो जाएगा dy वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स आएगा, e की पावर 6 आ जाएगा और कॉस 3x हो जाएगा। इसमें भी ये गुणा है इसलिए जो है फर्स्ट सेकंड वाला नियम लगेगा, तो इसमें फर्स्ट एज इज रहेगा मतलब जू का तू और सेकंड का अवकलन करेंगे तो कॉस 3x हो जाएगा प्लस कॉस 3x ऐसा रहेगा और अवकलन करेंगे फर्स्ट का यानी e की पावर 6x आ जाएगा। तो e की पावर 6x तो ऐसे रहेगा, कॉस x का होता है माइनस का साइन x, तो साइन 3x हो जाएगा और 3x का फिर करना पड़ेगा 3 और आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कॉस 3x ऐसे रहेगा, इसका करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो ये जू का तो रहेगा, लेकिन 6x का दोबारा करेंगे तो 6 हो जाएगा। e की पावर 6x सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया माइनस का 3 साइन 3x और प्लस का 6 कॉस 3x, ये आ गया आपका, ये आया dy वाई बाई डी एक्स का मान। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए पुनः अवकलन, तो ये तो हो जाएगा डी वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा ई की पावर 6x है और माइनस का 3 साइन 3x है प्लस 6 कॉस 3x हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है ये
यहाँ पर हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ रहा है, तो देखते हैं। फर्स्ट जुका तो रहेगा e की पावर 6x, और ये सेकेंड का अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, और अब सेकेंड जुका तो रहेगा माइनस का 3 sin 3x प्लस का 6 cos 3x, और अवकलन करना पड़ेगा हमें फर्स्ट का, तो ये कितना है e की पावर 6x है। चलिए देखते हैं कैसे इसका अवकलन होना है। e की पावर 6x तो यहाँ ऐसे रहेगा, इसका करते हैं पहले माइनस का 3 sin का करेंगे तो cos 3x आ जाएगा, और 3x का फिर करेंगे तो 3 और आ जाएगा, और ये 6 है, cos 3x का -sin 3x होता है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3 और आ जाएगा, प्लस ये क्या रहेगा, ये तो जू का तो रहेगा माइनस का 3 sin 3x प्लस का 6 cos 3x, और ये e की पावर 6 का करेंगे तो e की पावर 6x आएगा, और 6 और आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, e की पावर 6x तो कॉमन हो जाएगा, अब ये जो अंदर बचेगा इसको लिख लेते हैं, माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 cos 3x हो गया, माइनस का 6 3 18 हो गया, 18 sin 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 6 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो माइनस का 6 3 18 18 sin 3x हो जाएगा, और 6 6 36 तो प्लस का 36 cos 3x हो जाएगा। देखते हैं क्या बचा, e की पावर 6x हो गया, पहले cos वाले देख लो, यहाँ तो 9 है और यहाँ पे 36 है, 36 में से 9 गया कितना बचेगा 27, तो 27 cos 3x हो गया, माइनस ये 18 और ये 18 कितना हो जाएगा, 18 18 36 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा sin 3x हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये d2y/dx² निकाला जा रहा है द्वितीय अवकलन। चलिए उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ, इसमें क्या हाल होता है देखते हैं। y बराबर दिया हुआ है tan inverse x, तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं जरा, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx और d/dx, लेकिन किसका है tan inverse x का। तो बच्चों tan inverse x का आप लोगों को सूत्र पता है, इसका होता है 1/1 + x². अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ तो d2y/dx² लिख देंगे, और यहाँ d/dx दोबारा लिखेंगे, लेकिन ये 1 + x² की पावर -1 हो जाएगी, तो पहले इसकी -1 पावर बाहर आएगी, और 1 + x² की पावर -2 हो जाएगी, ये माइनस का 1/1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका देखते हैं, 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो सही करने पर d2y/dx² का मान कितना आ जाएगा, ऊपर तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है माइनस का 2x/1 + x² का होल स्क्वायर, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। सातवां और है यहाँ पर, देखते हैं, y बराबर दिया हुआ है cos inverse x, जरा इसका भी करके देखते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं जरा अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ d/dx लिखेंगे और cos inverse x हो जाएगा। cos inverse x का होता है -1/1 - x² अंडर रूट में होता है, तो ये तो हो गया dy/dx। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर करवा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा d2y/dx² और यहाँ d/dx आएगा, लेकिन ये ध्यान से देखो, तो माइनस चिन्ह तो इसका बाहर आ जाएगा,
लेकिन ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये एक बटा दो पावर होगी, वो भी माइनस की होगी। तो माइनस तो ये पहले से ही पड़ा हुआ है, और माइनस की एक बटा दो पावर बाहर आ जाएगी, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कम कर देंगे तो माइनस का एक बटा दो माइनस वन हो जाएगा, और जो इसके अंदर है उसका दोबारा हमें अवकलन करना पड़ता है, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाई टू हो गया, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस की थ्री बाई टू हो जाएगी। इसका करेंगे तो क्या आएगा, वन का जीरो हो जाएगा और माइनस का टू एक्स हो जाएगा। अब इसको ज़रा सही करना है, इस दो से ये दो कट जाएगा, तो देखते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना निकल गया है। ये माइनस इसका फिर से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस तो चिन्ह आएगा ही आएगा, और ये नीचे जाके पावर प्लस की हो जाएगी। तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, तीन बटा दो हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और ये प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, उदाहरण नंबर आठ। तो y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है और log x लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। अब बच्चों थोड़ा जल्दी करेंगे, मतलब इसको अब पूरा खोल के लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब डायरेक्ट करना सीखिए। पहले साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, फिर कॉस लॉग एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, यानी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का दोबारा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का जो होता है वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये कॉस लॉग एक्स और बटे में एक्स आ गया, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी अपॉन डी एक्स आएगा, और कॉस लॉग एक्स हो जाएगा और बटे में एक्स हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अंश बटे हर का सूत्र लगेगा, तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का देखो क्या सूत्र लगता है, पहले तो हर का वर्ग कर लेंगे और इस हर को यहाँ लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन हो जाएगा, अंश है कॉस लॉग एक्स माइनस यही दोबारा लिखना है कॉस लॉग एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, अब एक्स का करना पड़ेगा यानी हर का। चलो देखते हैं क्या आ जाएगा, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन लॉग एक्स हो जाएगा, और फिर लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स भी आएगा, माइनस ये कॉस लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, और पूरे में जो है कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, पूरा माइनस चिन्ह आ रहा है, इस माइनस में से पूरा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा, माइनस का ये बच गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो बचा हुआ है और सब लिख लीजिए इसमें, तो क्या बचा है, साइन लॉग एक्स बचा हुआ है यहाँ पे, और प्लस का कॉस लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां दिया है y बराबर log है और एक और log है, log log x हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग लॉग एक्स। चलिए करिए, पहले लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स आएगा, तो एक्स की जगह पे लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग एक्स ऐसे रहने दीजिए, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो ये वन अपॉन लॉग एक्स आ गया, और लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये वास्तव में कितना हो गया, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आया, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो
कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स आएगा, इसको ऊपर ले चलते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, पहले इसकी पावर माइनस वन बाहर आएगी, एक्स लॉग एक्स इसकी पावर माइनस दो हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, यानी फर्स्ट जुका तू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी लॉग एक्स फिर लॉग एक्स जुका तू रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन में आ जाएगा ये एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा और एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा। अब यहाँ भी दोनों कट जाएंगे तो ये माइनस का कितना आ गया, वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगा और बटे में आ गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी का ये आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर ये 10 है हमारे पास, ये दिया हुआ है y बराबर एक्स कॉस एक्स, इसका भी द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये x cos x हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड लगेगा, फर्स्ट जुका तू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी cos x प्लस cos x जुका तू रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट का। तो ये x है, cos x का होता है माइनस साइन x प्लस ये cos x ऐसे रहेगा, इस x का करेंगे तो वन हो जाएगा। तो वास्तव में क्या हो गया, माइनस x साइन x आ गया और प्लस का cos x हो गया, लेकिन ये क्या आया है, dy वाई बाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए तो ये तो हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ डी अपॉन डी एक्स आएगा और क्या लिखा जाएगा, माइनस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का कॉस एक्स। इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगेगा बच्चों और ये अकेला ही चलेगा। तो यहाँ देखते हैं जरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या निकल के आता है। तो पहले इसमें माइनस चिन्ह बाहर ले लेता हूँ और फिर फर्स्ट सेकंड लगा लेता हूँ। तो माइनस चिन्ह बाहर है, फर्स्ट जू का तू रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी साइन एक्स है प्लस साइन एक्स जू का तू रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, अब साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और एक्स का वन हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। चलिए थोड़ा सा इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस का एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और माइनस का साइन एक्स एक और है, ये हो गया माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस का टू साइन एक्स हो जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सफ़र तय करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर ये 11 है और 11 में कुछ सिद्ध करने वाली बात कर रहे हैं, तो सिद्ध करके लाना थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो y बराबर हो गया tan x, इसमें बच्चों पूरा अधिकतर जो है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो y बराबर है tan x प्लस sec x, तो पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं जरा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ डी अपॉन डी एक्स होगा और टेन एक्स है यहाँ पे और प्लस का सेक एक्स है, टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक
अब sec x का मान होता है 1 अपॉन cos x, इसका भी 1 अपॉन cos x हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin x बटे cos x। चलिए लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये 1 अपॉन cos x है, इसका लघुत्तम लेंगे तो cos x आ जाएगा और ये 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो नीचे बच्चों cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, तो ये अभी dy बाई डी एक्स चल रहा है। अब dy बाई डी एक्स का मान जो निकालने जा रहे हैं, ये देखो ध्यान से cos स्क्वायर एक्स है तो ये 1 प्लस साइन एक्स है, और नीचे cos स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ दीजिए, तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा, एक तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया गया है। तो प्लस वाला तो पूरा कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ डी अपॉन डी एक्स आएगा, लेकिन ये 1 माइनस साइन एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगी। देखो कैसे होगा, पहले माइनस 1 पावर बाहर आएगी और 1 माइनस साइन एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगी, और फिर डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, 1 माइनस साइन एक्स का। देखिए क्या हो गया, ये तो माइनस है और ये 1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो 1 का 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स है तो इसका कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये जा करके बाहर प्लस कर देगा इसको। तो कुल मिला करके डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से सिद्ध हो गया है आपका। ये देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही आ रहा है कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आप लोग कर लेंगे आराम से। उदाहरण नंबर 12 पे चलते हैं जरा। वाई बराबर कुछ दिया हुआ है, तो ये वाई बराबर हो गया ई की पावर ई, वाई बराबर है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, तो हमें डी टू वाई निकाल के दिखाना है। चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं जरा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये तो आपका ए ऐसी रहेगा, ई की पावर एम एक्स का करेंगे तो ई की पावर एम एक्स आएगा और एम एक्स का दोबारा करना पड़ेगा तो ये एम आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, e की पावर एम एक्स हो गया और एम एक्स का करेंगे तो दोबारा एम आ जाएगा, प्लस ऐसे ही b है e की पावर माइनस एम एक्स ऐसे रहेगा, लेकिन एम एक्स का करेंगे तो ये माइनस का एम और आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, एक तो m कॉमन आएगा और e की पावर एम एक्स नहीं आ रहा, e की पावर एम एक्स केवल m भर कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए m कॉमन, तो m कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, e की पावर एम एक्स बच जाएगा और माइनस का b बच जाएगा, e की पावर माइनस एम एक्स बच जाएगा, लेकिन ये बच्चों क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जरा देखना, यहाँ एम तो ऐसे रहेगा, इसमें ई ए तो ऐसे रहेगा, ई की पावर एम एक्स का करेंगे तो ई की पावर एम एक्स तो ऐसे आएगा और एक और एम आ जाएगा माइनस, ऐसे बी है ये ई की पावर माइनस एम एक्स तो आएगा ही आएगा और एक और माइनस का एम आ जाएगा।
ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा m, इसमें से देखो m कॉमन आ रहा, तो ये तो एम स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और ये ई ए ई की पावर एम एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी ई की पावर माइनस एम एक्स हो गया। जरा ध्यान देखो बच्चों, ये वाई के बराबर है, ये जो वाई है ना यहाँ पे, ये वाई जरा ध्यान से देखो, इस वाई के बराबर है, तो इसकी जगह वाई धर दीजिए। ये क्या है, y बराबर है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इसको लिखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, और कितना हो जाएगा 5 cos x हो जाएगा, माइनस का 3 sin x हो जाएगा। चलिए 5 तो ऐसे ही रहेगा, cos का माइनस sin x होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और sin x आ जाएगा, माइनस 3 sin x का होता है cos x, तो cos x लिख लीजिए यहाँ। तो ये हो गया dy वाई बाई डी एक्स का मान। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए, तो अब जो है ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देखते हैं जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 तो है, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस 3 है इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आएगा तो इसको प्लस कर देगा। अब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 5 कॉस एक्स और माइनस 3 साइन एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ये वाला जो मान है ये इस मान के बराबर है, यानी वाई के बराबर है, इसका मतलब क्या निकल के आया आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल के आया है, माइनस का वाई हो गया है, तो वाई को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये सिद्ध हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये भी कुछ उठपटांग सा ही लग रहा, 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस का 4 साइन लॉग एक्स, ये तो प्रश्न ही बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, चलिए फिर भी हल करने का प्रयास करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर लेते हैं इसमें। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे y की जगह, तो y1 हो जाएगा, dy by dx का मान मैंने बताया था बच्चों कि dy by dx को हम y1 बोलते हैं, और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम वाई टू बोलते हैं, तो ऐसा ही हम चलेंगे। तो वाई वन ले रहे हैं पहले, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और एक्स के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए माइनस का साइन हो गया और एक्स के स्थान पे लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और इसका लॉग एक्स का हमें दोबारा करना पड़ेगा बच्चों, प्लस ऐसे ही 4 है ये, साइन का होता है कॉस, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का हमें दोबारा करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा हमें करना पड़ता है। ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस 4 कॉस है लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ध्यान देखिए 1 अपॉन एक्स तो हर एक में दिखाई दे रहा है मुझे, तो इस 1 अपॉन एक्स को जो है इधर हम गुणा कर देते हैं y1 में,
तो क्या हो जाएगा, ये वाई वन में जब गुणा करेंगे तो एक्स वाई वन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 3 sin log x और प्लस का 4 cos log x। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये बेटा फर्स्ट और सेकंड से चलेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट जुका तू सेकंड का अवकलन वाई टू हो जाएगा, फिर वाई वन जुका तू फर्स्ट का अवकलन एक्स का वन हो जाएगा बराबर। ये बहुत ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट सेकंड से चल रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जुका तू है, सेकंड का अवकलन दोबारा हो जाएगा वाई टू, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये सेकंड वाला जुका तू फर्स्ट का करेंगे तो वन हो जाएगा। अब जरा इधर देखते हैं, माइनस का 3 sin का करते हैं तो कॉस आ जाएगा, और लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब यहाँ भी देखो 4 है, कॉस का करते हैं तो माइनस का साइन होता है तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो माइनस का साइन और लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का दोबारा करना पड़ेगा तो 1/x हो जाएगा। अब ये 1/x आ रहा है, इसकी इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई टू हो जाएगा, और यहाँ एक्स हो जाएगा वाई वन बराबर। इसको जरा ध्यान से देखिए, माइनस का 3, माइनस चिन्ह में से कॉमन ले लीजिए, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, कॉस आ जाएगा और लॉग एक्स आ जाएगा, और ये प्लस का आ जाएगा 4 sin आ गया और लॉग एक्स आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये वाई के बराबर है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो चला था ना ये वाई के बराबर है, तो इसकी जगह हम वाई धर लें तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर माइनस वाई, माइनस वाई को इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा ये, तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई बराबर 0। और यही बच्चों देखो, यहाँ सिद्ध करने वाला लाइन थी, यही लाइन है, यही सिद्ध हो चुका है, तो ये सिद्ध लिखेंगे या प्रूफ लिख देंगे इसको, PROVED। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जरा बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न है ये। 15वें प्रश्न में दिया हुआ है क्या, उसको भी लिख लीजिए। तो वाई बराबर है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर। देखो क्या आ रहा है, ए तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एम एक्स आएगा, और एम एक्स का दोबारा करेंगे तो ये एम आ जाएगा। ऐसे ये बी है, इसकी ई की पावर एन एक्स है, तो एन एक्स का दोबारा करेंगे तो ये एन आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया ये, अब हम दोबारा इसका करना चाह रहे हैं, यानी एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। देखो यहाँ तो हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये तो ए एम तो पहले से ही पड़ा हुआ है, ई की पावर एम एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एम एक्स का करेंगे दोबारा तो ई की पावर एम एक्स आएगा, और एक और एम पहले से ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये बी एन है, तो बी एन तो ऐसे ही रहने दीजिए, और e की पावर एन एक्स का करेंगे तो e की पावर एन एक्स आएगा और एक और एन आ जाएगा, तो ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए हो गया है, एम स्क्वायर हो गया है, e की पावर एम एक्स हो गया, ऐसे ही यहाँ बी हो गया है और एन स्क्वायर हो गया है, e की पावर एन एक्स हो गया है। अब क्या करना है, इसकी जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और उस लेफ्ट हैंड साइड में सारे मानों को रखना है, तो चलिए देखते हैं रख करके क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और माइनस का है एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस का एम एन वाई। अब ये मान रखना पड़ेगा, मान रखना थोड़ा दुविधापूर्ण है, फिर भी देखते हैं क्या हो जाता है। ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स,
प्लस का बी एन, और ई की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। चलिए थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है, अब इसमें सिर्फ गुणा ही करनी रह गई है, तो थोड़ा आसानी करने के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर एम एक्स वाले को हम एक जगह लिखेंगे। तो देखो यहाँ से ए एम स्क्वायर आएगा इसके साथ, तो यहाँ ए एम स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा, और ए एम और आ जाएगा, ये ए एम और आ गया, और फिर प्लस का यहाँ से एम एन आएगा, तो एम एन हो गया और ए और आ जाएगा, देखो ध्यान से, और ई की पावर एम एक्स बाहर जा चुका है, ये मैंने बाहर ले लिया। ऐसे ही प्लस का जरा ध्यान से देखिए, ई की पावर एन एक्स मैं बाहर ले ले रहा हूँ, ई की पावर एन एक्स बाहर ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, ये तो आ जाएगा बी एन स्क्वायर, माइनस का एम प्लस एन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, बी एन आएगा यहाँ से, और प्लस कितना आ जाएगा, एम एन बी आ जाएगा यहाँ से, एम एन देखो ध्यान से, यहाँ बी आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, ये हो गया ए एम स्क्वायर, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए एम एन आ जाएगा, और प्लस का ए एम एन है यहाँ पर, यहाँ ई की पावर एन एक्स है, और यहाँ कितना हो जाएगा, बी एन स्क्वायर हो गया, माइनस का देखो यहाँ पे बी एम एन आएगा पहले, फिर माइनस का बी एन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का एम एन बी आ जाएगा। तो इसमें बच्चों ये सारे के सारे कट जाते हैं, यहाँ पर भी देखिए सारे कट जाएंगे आपके, तो कितना है, खाना थोड़ा रुक कर खाऊंगा, ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लूँगा तब खाऊंगा भाई, भले मुझे आधा घंटा लग जाए, और तो क्या, आधे घंटे चाहे एक घंटा लग जाए। का की पावर 7x आ जाएगा, 7x का 7 और हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना है, 600 है, और ये e की पावर -7x है, तो ये जुकतु रहेगा और -7 और आ जाएगा, तो देखते हैं जरा क्या हो गया, ये आपका आ गया 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर माइनस का 7x, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर ये 7 ऐसे रह जाएगा, इसका दोबारा करिए तो ये हो जाएगा 500 ई की पावर 7x हो जाएगा, 7x का करेंगे तो 7 एक और आ जाएगा, माइनस 600 ई की पावर -7x हो जाएगा, लेकिन 7x का करेंगे माइनस का, तो -7 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 7 बिल्कुल फिर से बाहर कॉमन आ रहा है, तो 7 × 7 49 हो जाएगा, और ये 500 तो रह रहा है, ई की पावर 7x हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और 600 हो जाएगा ई की पावर -7x हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में रखा है वो इस वाई के बराबर हो गया,
इसकी जगह फिर ये y रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 49y। और यही हमें सिद्ध करना था, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिद्ध हो गया आसानी से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये कुछ और दिया हुआ है, एक और ये दिया हुआ है, e की पावर y है और x प्लस वन है बराबर एक है। हमें कुछ ऐसा कुछ लेकर के आना है, चलो देखते हैं क्या लेकर के आते हैं भाई। अब तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फर्स्ट झुका तो रहेगा e की पावर y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा x प्लस वन, और ये फिर प्लस x प्लस वन ऐसे रहेगा, और फर्स्ट का अवकलन करना पड़ेगा यानी e की पावर y, और इधर वन का होगा तो ये डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, e की पावर y तो ऐसे रहेगा, x प्लस वन का करेंगे तो वन आ जाएगा और इसका करेंगे तो जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये x प्लस वन आ जाएगा, e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y आएगा, और y का करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और बराबर जीरो हो गया। अब जरा और सही से करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको सही कर लीजिए, तो e की पावर x, e की पावर y है बेटा ये, ये e की पावर y है और प्लस x प्लस वन है, e की पावर y है और dy वाई बाई डी एक्स है बराबर जीरो हो गया। अब इसको थोड़ा सही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वन और e की पावर y dy वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर y, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या करना है, e की पावर y से भाग देने पर, भाग हमें दोनों तरफ देना है, तो दे देते हैं जरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा चलिए पहले dy वाई बाई डी एक्स का यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो dy वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब क्या करना है, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस तो ही है, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन होगी और ये डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस पावर बाहर आएगी, इसको प्लस कर देगी और एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन हो जाएगी, माइनस वन एक और हो जाएगी इसमें से पावर, तो माइनस की टू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन की घात माइनस दो, इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ध्यान से वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से बच्चों, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो है dy बाई डी एक्स के बराबर है, तो इसकी हम dy बाई डी एक्स रख सकते हैं, तो क्या माना जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही बच्चों देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये एक और दिया हुआ है, वाई बराबर है थ्री ई की पावर टू एक्स प्लस 2e की पावर 3x, तो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करिए इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, देखो 3 तो ऐसे रहेगा, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, ऐसे ही 2e की पावर 3x होगा, 3x का करेंगे तो एक 3 आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आएगा, 3 को बाहर ले लीजिए, और कितना बच गया, 3 नहीं 6 बाहर आएगा, जो ध्यान से देखिए 6 इसमें से बाहर आ रहा है, तो हम पहले 6 लेते हैं बाहर, तो ये 6 हो गया, देखो यहाँ भी 6 हो गया, 6 बाहर हो गया, तो e की पावर 2x हो गया प्लस e की पावर 3x हो गया, तो ये जो मान आया है ये डी वाई बाई डी एक्स का आ गया। एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो लेकिन ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 6 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x आएगा, 2 और आ जाएगा, ऐसे ही e की पावर 3x है और 3 और आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 6 हो गया, और e की पावर 2, e की पावर 2 चलिए ये मान मैंने सारे रख दिए हैं इसके अंदर, अब देखते हैं क्या कुछ आता है, तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें e की पावर 2x को एक जगह करूंगा और e की पावर 3x को एक जगह करूंगा, तो e की पावर 2x मैंने एक जगह ले लिया, पहले इसकी गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और देखिए e की पावर 2x यहाँ आएगा, माइनस का 6 पंजे 30 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 6 3 18 हो जाएगा, तो प्लस का ये 18 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस e की पावर 3x एक जगह ले लीजिए, इसकी इधर गुणा कर दीजिए, तो 6 3 18 हो गया, तो ये 18 यहाँ ले लीजिए, और 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस का 30 यहाँ आ जाएगा, और 6 दूनी 12 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का 12 यहाँ हो गया। ज़रा ध्यान से देखिए, e की पावर 2x है, ये जो है वास्तव में कितना है, ये 30 माइनस 30 हो गया, और ये e की पावर 3x है, यहाँ पर भी 30 माइनस 30 हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर भी ये दोनों कट जाएंगे, e की पावर 2x × 0 हो जाएगा, और यहाँ e की पावर 3x × 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ आसानी से देखो हो गया बच्चों। अब इसके बाद जो है दूसरा एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं जरा, y बराबर है a साइन x प्लस b कॉस x, तो इसमें क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ए साइन का होता है कॉस एक्स प्लस बी, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको ज़रा थोड़ा सही कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स। अब एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, ए कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर ले लीजिए, माइनस बी साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर वाई के बराबर ही है, पूरा का पूरा यहाँ वाई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई, लेकिन किसके बराबर है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस माइनस वाई को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बराबर 0, और यही हमें सिद्ध करना था, तो मेरे ख्याल से सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद अगला प्रश्न एक और दे रहा, उदाहरण 20, इसको भी देख लेते हैं क्या है उदाहरण 20 में। उदाहरण 20 में दिया हुआ है y बराबर a साइन log x,
ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई वन बराबर ए साइन, साइन का हो जाएगा कॉस, तो लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। इस एक्स की इधर गुणा कर दीजिए तो एक्स वाई वन हो जाएगा हम ए, और कॉस और यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड से होगा बच्चों, ध्यान रखना, ये फर्स्ट झुका तो सेकंड का अवकलन वाई टू हो जाएगा, प्लस वाई वन झुका तो एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, बराबर ए, ये तो ए बाहर रहेगा, कॉस का माइनस साइन होता तो माइनस यहाँ आ जाएगा और साइन आ जाएगा, और लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा इसके अंदर, लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इस एक्स की इधर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा और एक्स वाई वन हो जाएगा बराबर माइनस का ए साइन तो y बराबर दिया हुआ ये e की पावर टेन इनवर्स x। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा वाई वन ई की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है पहले, तो टेन इनवर्स x रहेगा, फिर टेन इनवर्स x का करना पड़ेगा तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसकी तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन बराबर ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। देखो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स फिर से वाई के बराबर हो गया, तो इसकी जगह वाई लिख लीजिए, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई वन हो जाएगा बराबर ये वाई आ जाएगा। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर देख लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड से चलेगा बच्चों, ध्यान रखना ये फर्स्ट सेकंड से चलेगा, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट सेकंड से चलाना है आपको, तो फर्स्ट जो का तू है सेकंड का अवकलन तो वाई टू हो जाएगा, प्लस सेकंड जो का तू वाई वन, और फर्स्ट का करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, और बराबर इधर वाई का करेंगे तो वाई वन हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और वाई टू हो गया, माइनस का टू एक्स वाई वन आ जाएगा, इस ये प्लस का टू एक्स वाई वन है और ये इधर जा करके माइनस का वाई वन हो जाएगा बराबर जीरो। जरा ध्यान से देखो, इसमें से वाई वन कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर है वाई टू है और प्लस का वाई वन कॉमन होगा तो टू एक्स माइनस वन बच जाएगा और ये वाई वन हो गया बराबर जीरो। और यही ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ सिद्ध करना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है ये, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत आएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो अच्छी तरह से तैयार करेंगे इसको। चलिए एक और उदाहरण दिखाई दे रहा है हमें, 22वां उदाहरण है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये दिया हुआ है वाई बराबर ए कॉस लॉग एक्स और प्लस का बी साइन लॉग एक्स। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए तो ऐसे रहेगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा, लॉग एक्स ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा,
एस ई प्लस बी, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस में लॉग एक्स आएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये लॉग एक्स है अंदर, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इस एक्स की गुणा इधर कर लेते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, साइन आ जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस का बी हो गया, कॉस हो गया, लॉग एक्स हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये तो फर्स्ट सेकंड चल जाएगा बच्चों, तो फर्स्ट जू का तू, सेकंड का अवकलन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड जू का तू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का करेंगे तो बन जाएगा। ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड चलेगा जरूर। अब ये इसका इधर राइट हैंड साइड का करते हैं, तो माइनस का ए है, साइन का कॉस हो जाएगा, तो कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही प्लस ये कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस आएगा साइन एक्स, तो ये माइनस कर देगा, तो बी साइन आ गया, और लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा इसके अंदर, लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इस एक्स के कॉमन नीचे लघुत्तम लेकर के इसके इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, ए कॉस लॉग एक्स बच जाएगा, और प्लस का बी साइन लॉग एक्स। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा वाई के बराबर है, ये जो वाई दिया हुआ है ना वही है, तो इसकी जगह पे वाई लिख लेते हैं। तो देखो क्या आ गया, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और बराबर माइनस का वाई हो गया। इस वाई को इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई बराबर जीरो। और यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आसानी से। अब इसका थोड़ा सा एक और प्रश्न चल रहा है, उदाहरण नंबर, इसको x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये d अपॉन डी एक्स आएगा। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई टू है विद माइनस साइन, तो इसका माइनस तो बाहर आएगा, तो माइनस का 1 अपॉन टू हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई टू हो जाएगी, और इसके बाद इसके अंदर वाले का दोबारा करना पड़ेगा, तो माइनस का 2x और आ जाएगा। ध्यान रखना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बटे कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू, ये जो आया है ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया। जरा फिर से लिख लें इसको, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, ये आ गया है एक्स बटे, ये थ्री बाई टू है तो एक एक पावर अलग कर लेते हैं, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो अलग कर लेते हैं, और वन माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर जो है आधी है, तो उस पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, इसकी इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये x इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
जरा ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² डी टू वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, पूरे को लेफ्ट हैंड साइड ले चलेंगे, तो 1 माइनस x² है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए इधर गुणा कर देते हैं इसकी, 1 प्लस x² की गुणा करेंगे, y1 हो जाएगा और ये बचा 2 tan inverse x। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये देखो फर्स्ट सेकंड चलेगा इसमें बच्चों फिर से, तो 1 प्लस x² हो जाएगा, y1 का करेंगे तो y2 आ जाएगा, और प्लस y1 जू का तू करेंगे इसका करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स है तो 2 और इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस x². चलिए देखते हैं अब क्या होगा इसका, अब इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 2x है और ये 1 प्लस x² है और y1 है और बराबर कितना है 2 है। जरा ध्यान से देखो, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया है, तो मेरे ख्याल से आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये उदाहरण नंबर 25 आ रहा है, इसको भी देखते हैं कैसे हल करते हैं, तो y बराबर दिया हुआ है log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा y1 log x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x होता है, तो 1 अपॉन x की जगह ये जू का तो लिखा जाएगा 1 प्लस x² चलिए अब इसका दोबारा करना पड़ता है, तो 1 का x का तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² आएगा और x² का फिर 1 का 0 हो जाएगा, x² का दोबारा करना पड़ेगा तो 2x आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y1 बराबर ध्यान से देखिए क्या हो गया, 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² बच गया, और यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² आएगा और यही अंडर रूट 1 प्लस x² यहाँ आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² इसके इधर गुणा कर दीजिए, तो पहले हम वर्क कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया आएगा, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, तो वर्क कर दीजिए तो ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस x² इसके ब्रज गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस x² हो जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है दोबारा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा करते हैं, देखो ये फर्स्ट सेकंड लगेगा फिर से, तो फर्स्ट जू का तू है, सेकंड का अवकलन करेंगे तो केवल 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, फिर 1 प्लस x² ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो 2y1 आएगा और y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, इसमें ध्यान से देखो 2y1 से भाग चला जा रहा है, तो 2y1 से भाग करने पर, 2y1 से भाग देने पर
दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई वन बच जाएगा और प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और वाई टू बच जाएगा बराबर जीरो। अब इसको सही कर लीजिए, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू हो गया प्लस एक्स वाई वन हो गया बराबर जीरो। और ध्यान से देखो बच्चों, यही सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक और ये उदाहरण चल रहा है, 26 हमारा, तो y बराबर है e की पावर a साइन इनवर्स x। वही करना है फिर से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा, ये पूरा का मान देखो y के बराबर है, तो इसकी जगह पे y धर दीजिए। ध्यान देखिए, e की पावर a साइन इनवर्स x जुका तो है, तो ये a y हो जाएगा। अवकलन करने पर तो देखिए, इसमें फर्स्ट सेकंड फिर से लगेगा, तो फर्स्ट जू का तू है, सेकंड का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, टू वाई वन आएगा, और वाई वन का करेंगे तो वाई टू हो जाएगा प्लस। अब सेकंड जू का तू रहेगा और फर्स्ट का अब सेकंड जो का तू रहेगा, सेकंड में वाई वन का स्क्वायर है और इसका करेंगे तो वन का जीरो, इसका माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का टू एक्स हो जाएगा। और इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में, ये ए स्क्वायर ऐसे रहेगा और वाई स्क्वायर करेंगे तो टू वाई आएगा, और वाई का करेंगे तो वाई वन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, हर एक में जो है टू वाई वन दिखाई दे रहा है आपको, तो टू वाई वन से भाग देने पर, टू वाई वन से भाग देने पर दोनों ओर भाग देना है बच्चों, तो इसमें देख लीजिए क्या बचा, ये बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बचा, टू वाई वन से भाग कर दिया, केवल वाई टू बचा यहाँ पे, और यहाँ भी टू वाई वन से भाग कर दिया, तो माइनस का एक्स वाई वन बचा, तो माइनस का एक्स वाई वन, और यहाँ बराबर ए स्क्वायर बचा है और टू वाई वन चला गया, तो केवल वाई बचा रहेगा, तो ये वाई हो गया। अब इसको इधर ले आइए, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई टू हो जाएगा, माइनस एक्स वाई वन हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये जीरो। और यही देखो बच्चों, हमें सिद्ध करना था, मेरे ख्याल से ये सिद्ध हो चुका है आपका। अब इसके बाद चलते हैं, एक और उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको, 27 नंबर का उदाहरण है, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका डी टू वाई ज्ञात करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कर
कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसको अंश बटे हर से करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और यही हर यहाँ आ जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा केवल x का, फिर माइनस x डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है ये। ये तो आपका अंडर रूट, अगले पेज पे चलना पड़ेगा बच्चों, देखते हैं जरा क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लेके चलता हूँ, देखते हैं यहाँ हो जाता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 एक तरफ हो गया है, हम इसको लेके चलते हैं केवल, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ये एक्स जू का तू है और इसका करेंगे तो 1 अपॉन आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और जो नीचे बचा हुआ है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो ये लघुत्तम में क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ पे नीचे पहले से ही पड़ा हुआ, ये अंडर रूट में और आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इधर गुणा करेंगे तो अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का ये एक्स बचा हुआ था 2 कटा था बच्चा, यहाँ पे ध्यान रखना एक्स बचा हुआ है 2 कटा हुआ था, तो यहाँ पर एक्स आप लिख लेंगे दोबारा फिर से, 2 केवल कटा था यहाँ पे, तो माइनस का ये एक्स और एक्स की गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 1 अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आधी और 1 मिला करके 3/2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलिए ये 28वां उदाहरण और है, तो y बराबर है e की पावर m cos इनवर्स x, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, थोड़ा सा रह गया बेटा और 2-3 क्वेश्चन रह गए और, अब यहाँ पर हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर और ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये फर्स्ट झुका तुम, सेकंड का करेंगे तो 2 वाई वन आएगा, वाई वन का करोगे तो फिर से वाई टू हो जाएगा, प्लस वाई वन का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसका करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये बराबर एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर तो ऐसे ही हो जाएगा और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा और वाई वन का करेंगे तो वाई वन आ जाएगा। 2y1 से भाग देने पर, 2y1 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर वाई वन हट जाएगा तो केवल एक्स वाई वन बच जाएगा और बराबर इधर देखो एम स्क्वायर एक आएगा और वाई वन हट गया केवल वाई बच जाएगा, इस एम स्क्वायर वाई को इधर ले आते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू हो गया माइनस का एक्स वाई, एक घंटा 24 मिनट हो गया ये खाली है तो पानी भर गया आगे। थोड़ा मुझे जल्दी बनाने दो,
कहीं लाइट ना भागे भैया, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। बहुत मच्छर खा रहे मेरे को आज, हैं पी गए मेरे को अच्छी तरह से भाई। तुम तो कह रहे थे कि भाग जाएंगे सब मच्छर, मेरे को और भगा दिए। अब बंद कर थोड़ा सा। चलिए इसका x के साथ एक अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा y1 बराबर e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, तो m tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर m tan इनवर्स का करेंगे तो m तो ऐसे रहेगा, tan x का होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन। और ये ध्यान से देखिए, ये फिर से y के ही बराबर हो गया, तो ये m y हो जाएगा। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट जू का तो रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, और y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा। अब y1 जू का तो रखेंगे तो 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर m है ये, और इसका करेंगे तो y1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही कर लीजिए, क्या करना है इसमें, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y2 है, प्लस का कितना है 2xy1 है, माइनस का एम वाई वन बराबर जीरो, इसमें से y1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस एम एक जगह आ जाएगा, और y1 इसका बाहर आएगा बराबर जीरो। जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला दोनों एक जैसे है, इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है, तो आप लोग सिद्ध कर लेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। ये तो ये है y बराबर है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, इधर तो dy बाय dx हो जाएगा, इसका करेंगे तो दो बाहर आएगा, और साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करना है, दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर जरा वर्क करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चलिए इसका अवकलन करते हैं। पहले तो ये जूका तुम फर्स्ट ऐसे रहेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जूका तुम, इसका वाई का डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा करना, स्क्वायर दिया हुआ तो 2 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जूका तुम रहेगा, और इसका करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2x और आ जाएगा, और बराबर 4y है तो 4y का dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 dy वाई बाई डी एक्स से भाग देने पर दे दीजिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो हट ही जाएगा, यहाँ से बचेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना बच जाएगा, यहाँ पर केवल एक्स बच जाएगा, और डी वाई बाई
dx बच जाएगा, बराबर यहाँ से 2 बच जाएगा और